हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ई मित्र के द्वारा आप बिल कैसे भरोगे। दोस्तों, आपने नया नया ई मित्र खोला है लेकिन आपको पता नहीं है बिल कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों, आज मेरी वीडियो को एंड तक देख लीजिए। आप ई मित्र के द्वारा आसानी से घर बैठे बिल भर पाओगे, यानी कि बिल का पेमेंट कर पाओगे। मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं ट्रेन प्लस। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल स्क्रीन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। आप लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं। आपको गूगल पर ई मित्र सर्च करना है दोस्तों। आपको ई मित्र पर आपका ई मित्र गवर्नमेंट साइट ओपन करनी है और उसमें आपको लॉगिन करना है। आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो लिंक आपको खोल लेना है। खोलने के बाद आपको उसके अंदर आपको आईडी लॉगिन करनी है दोस्तों। आपको आपकी ई मित्र आईडी का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो आईडी पासवर्ड मिले होंगे। इस तरीके से आपको कुछ इंटरफेस दिखाई दे रहा है। ये ई मित्र की साइट है। इस साइट पर जाकर आप ई मित्र लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको अवेल सर्विस पर टिक करना है, यानी कि फर्स्ट जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आप टिक कर लीजिए। फिर आपको के नंबर डालना होगा और बहुत सारी प्रोसेस है, छोटी सी प्रोसेस है, वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों। आप आसानी से बिल घर बैठे भर पाओगे। यहाँ पर आपको आपका सर्विस टाइप करना है, यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना चाहते हो तो वो डालना है। फिर के नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपका ईमेल डाल के सबमिट कर देना है। अब आपको यहाँ पर आपका के नंबर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने सबमिट कर दिया होगा तो सबमिट करने के बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को एंड तक देखिए। अब आपको यहाँ पर आपका के नंबर नेम पता सबमिट करने के बाद आपके पूरे बिल की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। के नंबर कहाँ होते हैं दोस्तों वो भी मैं आपको एक बिल दिखा दूँगा इसी वीडियो में, ताकि आपको पता चल जाएगा के नंबर कहाँ होते हैं। अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप आसानी से कर दीजिए। पेमेंट की भी बहुत सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग चूज़ करना है और आपकी ई मित्र आईडी से आप पेमेंट कर सकते हैं। ई मित्र आईडी में वॉलेट होता है। वॉलेट में पैसे कैसे लिए जाते हैं अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। एक पुराना बिल आपको दिखाई दे रहा है, के नंबर कहाँ होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका सबसे पहले नेम आता है, नेम के नीचे आपके पिताजी का नाम और एड्रेस आता है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे हैं, फिर ईमेल है। ईमेल के जस्ट नीचे आपका के नंबर है, के नंबर 1304। ये पूरा आप देख लीजिए दोस्तों, कम से कम 10 डिजिट से तो ज़्यादा ही है। तो आपको अब पता चल गया होगा के नंबर कहाँ पे होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।